मैंने बनाई कोविड के दौरान, मैंने खबर बनाई थी। हम 70 में पहुंच गए। गांव में कितने लोगों को? हमारे गांव में कम से कम भी कुछ नहीं तो 300-400 आदमी, 300-400 आदमी है। सरकार का धन्यवाद करेंगे नहीं आप? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का। जिनको टाइम पे मिल रहे हैं, चल रहा चेस्ट के अंदर की हो, हमें टाइम से पेंशन मिल रही है और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का है। तो बात ही है, साढ़े 4-4 हो गया। समय से आ रहे हैं जी, समय पर पैसे आ रहे हैं टाइम से। बस वो भी आ जाओ, वो भी कौन देता है पैसे? 9 रुपए है। अच्छा, कितने साल के आप? कितने साल के हो गए आप? मैं 70 साल। अच्छा, कितने टाइम से पेंशन मिल रही है आपको? कितने समय से मिल रही है? कितने साल दूर आने लगे तनखा? आज जो आने लगे पेंशन, आने कितने साल हो गए? ठीक है। पांवटा साहिब में पेंशनर और एक्टिव? अभी टोटल पेंशनर जो है हमारे पांवटा तहसील में है 21,000 के लगभग पेंशनर है, जिसमें से अभी 562 हमारे नए सेंक्शन हुए हैं। इनको समय पर पैसा मिल जाता है? कितने टाइम में? सभी को टाइम टू टाइम, हर क्वार्टर में इनको पेंशन आ रही है, पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आई है अभी। अगर किसी ने नया बनाने के लिए क्या फॉर्मेलिटी होती है? अगर कोई नया आवेदन करता है तो उसमें अलग अलग पेंशन का अलग अलग रहता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन है तो उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और उसका बचत खाता, कोई भी उसका बचत खाता होगा व्यक्ति का, और एक शपथ पत्र लगता है, ये उसमें रहेगा, फॉर्म के साथ ये लगेगा, और एक अनुबंध का जो है पंचायत से भरा जाएगा। इसमें महिलाओं को 1500 रुपये पर मंथ, 4500 रुपये, और पुरुषों को 3000 क्वार्टरली या पर मंथ 1000 रुपये मिलता है। वो 70 वर्ष के हो जाते हैं तो महिला या पुरुष जो दोनों हैं उनको 51-51 रुपये मिलेंगे।